हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे और ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर में अवश्य पूछा जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस टॉपिक को, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए जिसका टाइटल बनेगा प्रसव तथा दुग्ध श्रावण। तो अभी तक के पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने शिशु के विकास को पूरा स्टडी किया हुआ था, यानी कि 9 महीने के दौरान, गर्भकाल के दौरान शिशु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, बच्चे के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, कब, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी तक स्टडी कर लिया है। सो, अब हम लोग अपने इस क्लास के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आगे के टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आगे क्या होता है, हमारा हेडिंग बनेगा प्रसव यानी डिलीवरी क्या होती है या पार्चुरेशन किसे कहते हैं, और इसी के साथ साथ मिल्क का सिक्रीशन कैसे होता है। तो हेडिंग बनाते हैं, टाइटल होगा आपका प्रसव यानी कि पार्चुरेशन तथा दुग्ध श्रावण। फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रसव के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग दुग्ध श्रावण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रसव किसे कहते हैं, फोकस करते हैं। मैंने बताया था कि लगभग 265 से 270 दिन, ठीक है, अथवा हम लोगों ने पीछे बात किया था कि 9 माह के दौरान, या फिर मैंने बताया था कि 38 से 42 सप्ताह, ठीक है, ये जो टाइम है ये गर्भकाल का समय है, प्रेगनेंसी का समय है। तो इतने समय के बाद यानी कि जब ये टाइम गर्भकाल पूरा हो जाता है, ये क्या होता है, गर्भकाल, ठीक है, गर्भकाल याद रखिएगा। तो गर्भकाल यानी प्रेगनेंसी का जब टाइम पूरा हो जाता है, 9 महीने का पूरा टाइम क्लियर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान बच्चे का पूरा विकास हो चुका होता है। और इसी के उपरांत यानी कि जब ये समय पूरा होगा, जब पीरियड पूरा होता है, तो शिशु का जन्म होता है, और शिशु के इसी जन्म की क्रिया को हम कहते हैं प्रसव यानी कि पार्चुरेशन या डिलीवरी, या फिर हम लेबर के नाम से भी जानते हैं। तो कई नाम इसके हैं, जैसे कि प्रसव मैंने लिखा ही है, या इसको हम शिशु जन्म भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे डिलीवरी इसमें, या फिर पार्चुरेशन के नाम से भी, लेबर के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये समय पूरा हो जाता है, गर्भकाल समय पूरा हो जाता है, तो इतने समय के बाद शिशु जन्म लेता है, और इसी प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं। प्रसव क्यों होता है, कैसे होता है, अचानक क्या हो जाता है, यही बात हमें समझनी है। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 9 मंथ तक बच्चा गर्भ के अंदर सुरक्षित है, और अचानक जैसे ही ये टाइम पूरा हो जाता है, तो अचानक शिशु का जन्म क्यों होने लगता है, ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं अंदर, हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाकर बता दूं कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है। तो ये गर्भाशय है, गर्भाशय की 3 परतें हैं, आप जानते हैं, ठीक है, जो बीच वाली परत है जिसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, यहां पर क्या है, शिशु है, ये क्या है, शिशु। इस शिशु का 9 मंथ क्लियर हो चुका है, 9 मंथ के दौरान अब ये शिशु जो है इस गर्भाशय से बाहर आनेगा, और बाहर आने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं प्रसव। कैसे होता है, फोकस करिएगा। देखिए, जब ये काल पूरा हो जाता है तो होगा क्या, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो शिशु है, शिशु के द्वारा, जैसे अगर वो लड़का है या लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में प्रोसेस होता है, तो शिशु के द्वारा भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कार्टिसोल, ठीक है, मैंने पीछे जिक्र किया था इस हार्मोन का। तो ये एक विशेष हार्मोन है
जब टाइम पूरा होगा 9 मंथ का तभी हार्मोन निकलता है, ठीक है। इस शिशु के द्वारा भी कार्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है। इसके अलावा पीछे हमने बताया था कि जो प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा के द्वारा भी यही कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। ये निकलेगा हार्मोन, तो जैसे ही ये हार्मोन निकलता है तुरंत ये शिशु जन्म जो है प्रक्रिया शुरू होने लगती है। कैसे, फोकस करिएगा। ये हार्मोन जैसे निकलेगा तो इसका काम क्या होता है, इधर देख रहे हैं, मैंने बताया था गर्भाशय की जो बीच वाली परत जिसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, होगा क्या, ये मायोमेट्रियम के काम को जो है ये एक प्रकार से कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये दो ये हार्मोन जो है शिशु के द्वारा भी निकलेगा, प्लेसेंटा के द्वारा भी निकलेगा। ये हार्मोन करता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन के काम को रोकेगा, ध्यान दीजिएगा, किसके किसके, प्रोजेस्टेरॉन यहां लिख दे रहा हूं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इन दोनों के काम को ये रोकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसे रोकता है या इसके श्रावण को रोकेगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि कार्टिसोल हार्मोन इतना समय पूरा होने के बाद जब शिशु और प्लेसेंटा द्वारा निकलता है इसकी मात्रा बढ़ती है, तो ये हार्मोन कार्टिसोल ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के श्रावण को रोकता है। क्या करेगा, देखिए प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि जो बीच वाली परत मायोमेट्रियम को फैलाना, ठीक है, ये फैलाता था तो इसके काम को रोक देगा, भैया अब एक काम करिए फैलाइए मत, अब फैलाने का काम नहीं, अब क्या है कॉन्स्ट्रक्शन का काम है, अब सिकोड़ने का काम है, क्योंकि शिशु के जन्म का समय आ चुका है। तो ये कार्टिसोल इसके काम को रोकेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो कि फैला रहा था इस दीवार को, अब ये उसको कहेगा मत फैलाइए, बहुत हो गया। दूसरा एस्ट्रोजन जो कि इस शिशु का विकास कर रहा था, वो उसको भी कहेगा कि अब विकास करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम इसका पूरा हो चुका है, ये कम्प्लीटली अब विकसित हो चुका है, अब दो काम आप बंद कर दीजिए, एक तो शिशु का विकास ये बंद कर दीजिए, दूसरा मायोमेट्रियम को फैलाना बंद कर दीजिए जो कि इसका काम होता है। दोनों के काम को ये कार्टिसोल रोकेगा। जब दोनों का काम रुक जाएगा तो एक प्रोसेस और होगा, ध्यान दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी कार्टिसोल की देख रेख में वो भी हो रहा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो होगा क्या, हमारी जो पिट्यूटरी होती है जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि इसका जो अग्रभाग होता है, ध्यान दीजिएगा, अग्रभाग और पश्च भाग दो भाग होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, अग्रभाग यानी ये अग्र पिट्यूटरी और पश्च भाग यानी कि पश्च पिट्यूटरी, ओके। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, तो होगा क्या, पश्च पिट्यूटरी द्वारा ऑक्सीटोसिन निकलता है, क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो कार्टिसोल क्या करेगा, जब दोनों का काम रुक जाएगा तो यही कार्टिसोल पिट्यूटरी के पास एक टाइप से ये सिग्नल भेजेगा कि काम कर भैया, पश्च पिट्यूटरी से कहेगा कि आप ऑक्सीटोसिन निकालिए। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो शिशु जन्म में सहायता करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कंफर्म बता रहा हूं, याद हो जाएगा। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये संकुचित करेगा, याद रखिएगा, इसका काम होता है संकुचन कर देना, संकुचित कर देना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो ये मायोमेट्रियम आप देख रहे हैं, इधर की परत या इधर की परत जो बीच वाली लेयर होती है, इसे मायोमेट्रियम लिखते हैं, ये उस दीवार को कहेगा सिकुड़ो, सिकुड़ने के लिए कहेगा। तो जब ये मायोमेट्रियम सिकुड़ती है, ठीक है, फोकस करिएगा, जब ये मायोमेट्रियम सिकुड़ेगी तो जो अंदर फेटस है, जो अंदर बच्चा अभी डेवलप हो चुका हुआ है, इसके ऊपर दबाव बनने लगता है, ठीक है, फोकस करिएगा, कि जब ऑक्सीटोसिन के कहने पर ये मायोमेट्रियम की दीवार सिकुड़ने लगती है तो क्या होगा, दीवार के सिकुड़ने से बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है और बच्चा जो है स्पेल आउट होता है, बाहर की तरफ जो है निकलना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे कुछ ही समय में ये शिशु बाहर आ जाता है माता के गर्भ से। तो इसी प्रक्रिया को, बाहर आने की प्रक्रिया को हम शिशु जन्म या फिर प्रसव के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। एक बात हो, यहां पर जो आप देख रहे हैं सर्विक्स, ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स ये रास्ता बहुत नैरो होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है, तो इसको भी फैलाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं मायोमेट्रियम, इसी मायोमेट्रियम द्वारा एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रिलैक्सिन, ठीक है। ये एक हार्मोन है जो खास तौर पे रिलैक्स करता है, आराम देने के लिए करता है और फैलाने के लिए करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन दो हार्मोन मिल करके इस रास्ते को फैलाते हैं, सुषुम्न में सहायता करते हैं, जिसमें से ऑक्सीटोसिन का काम सिर्फ गर्भाशय की फैलाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन जो करता है ये मायोमेट्रियम को सिकुड़ता है जिससे बच्चे पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन इस रास्ते को, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, जिसे हम लोग सर्वाइकल सर्विक्स कैनाल बोले थे, कि जो बीच में रास्ता होता है ये सर्विक्स है, ग्रीवा भाग बीच में रास्ता होता है जिसे हम सर्विक्स कैनाल कहते हैं, ओके। तो इस रास्ते से शिशु बाहर आएगा, तो ये रास्ता बहुत नैरो होता है, तो इसको फैलाने का काम रिलैक्सिन का होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का होता है जो मायोमेट्रियम बीच वाली परत द्वारा स्रावित होता है। तो इस प्रकार से शिशु जन्म में खास तौर पे ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, इन दो हार्मोन्स की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें क्या लिखना है वो ध्यान सुनिएगा। शिशु जन्म की प्रक्रिया तीन चरण में होती है, अथवा यूं कह सकते हैं कि शिशु जन्म जो होता है, प्रसव जो क्रिया होती है, ये तीन चरणों में होती है। कैसे कैसे होती है, आइए एक एक करके सभी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो शिशु जन्म की प्रक्रिया को तीन चरणों में समझा जा सकता है। कौन कौन से, देखिए पहला जो स्टेप होगा, या यूं कह सकते हैं कि शिशु या प्रसव के चरण कितने होते हैं, तीन चरण होते हैं, ओके, स्टेप होते हैं, तो हमें इन्हीं स्टेप्स को समझना है। पहला होता है प्रसारण अवस्था, प्रसारण अवस्था, ओके। तो ये डाइलेशन स्टेज होता है, कौन सा स्टेज, डाइलेशन स्टेज होता है, यानी कि अब फैलने वाली बात है। तो मैंने पीछे बताया था प्रसारण अवस्था किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रसारण मतलब होता है फैलना, ओके। क्या फैलेगा वो ध्यान दीजिएगा, पहले बतानिएगा, शिशु जन्म की ये प्रथम अवस्था होती है और इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा समय लगता है। कितना समय लग सकता है, इसमें 5 से लेकर 6 घंटे तक का भी समय लग सकता है, यानी कि शिशु के जन्म की ये सबसे पहली अवस्था होती है जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा समय क्यों लगेगा, पहली बात समझिएगा कि अगर जो फीमेल है वो फर्स्ट टाइम प्रसव से गुजर रहा है या गुजर रही है, ठीक है, यानी कि जो स्त्री है अगर वो फर्स्ट टाइम जो है प्रसव क्रिया हो रही है उसके अंदर, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, थोड़ा सा लंबा टाइम लगता ही है। लेकिन अगर कभी पास्ट में कभी भी जो है प्रसव क्रिया हुई है तो ये समय और कम लग सकता है। मान के चलिए तब एक से मान चलिए फिर भी 1 से 2 घंटे का समय तो लगेगा ही, ठीक है, अगर डिलीवरी हुई है पहले कभी तो, अदरवाइज इतना समय तो लगता ही है। इसमें होता क्या वो भी जान लेते हैं प्रसारण अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि मायोमेट्रियम के द्वारा जो है रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन भी यहाँ पर पहुँच चुका है जो कि पश्चिम पिट्यूटरी द्वारा निकल रहा है, तो दो हार्मोन यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इस दीवार को कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, सिकोड़ेगा, जिससे बच्चे पर प्रेशर पड़ेगा, बच्चा नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर मायोमेट्रियम द्वारा निकला हुआ कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन, यहाँ पर रिलैक्सिन का नाम याद रखिएगा इस, क्योंकि इसमें डाइलेशन स्टेज में रिलैक्सिन की भूमिका भी होती है। तो रिलैक्सिन क्या करेगा, ये जो बीच में रास्ता देख रहे हैं आप जिसे हम सर्विक्स कैनाल कहते हैं, रास्ता कहते हैं, उसको फैलाता है, ठीक है। फैलाने के साथ साथ जो प्यूबिक बोन होती है, यहाँ पर कमर की जो हड्डी होती है, क्योंकि जिस एरिया में ये भाग पाया जाता है वहाँ पर हड्डियाँ भी प्रेजेंट होती है, तो जो प्यूबिक बोन होता है, कौन सी हड्डी, प्यूबिक, ठीक है, प्यूबिक बोन जो होती है इसको भी क्या कर देता है, ये रिलैक्स करता है, फैला देता है। तो रिलैक्सिंग की वजह से ये रास्ता भी फैलेगा, ठीक है, और हड्डी भी फैलेगी, जिससे जो है बच्चा
बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी एक बात और ध्यान रहेगा कि जैसे ही मैंने बताया कि जैसे ही दीवार संकुचित होगी ऑक्सीटोसिन की वजह से, माया मेटेरियल जैसे सिकुड़ेगी तो ये बच्चे पर प्रेशर पड़ेगा। बच्चा जिस बैग में है, जिसे हम लोग एमनियोटिक सैक कहते हैं, क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक, जिसके अंदर भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने बताया कि ये बच्चा जो होता है बैग में होता है, झिल्ली में होता है, जिसे हम लोग एमनियोटिक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और उसी झिल्ली के अंदर लिक्विड भरा होता है, जिसे हम लोग एमनियोटिक द्रव कहते हैं, और उसी द्रव में बच्चा सुरक्षित रहता है। तो दबाव पड़ने पर ये झिल्ली फट जाती है, और फटने की वजह से जो लिक्विड उसके अंदर भरा होता है, जिसे हम लोग एमनियोटिक द्रव कहते हैं, वो लीक होने की वजह से इस रास्ते से निकलने लगता है और रास्ता थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो उसी स्मूथनेस की वजह से ये बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है और इसी रास्ते से ये बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिक्विड निकल रहा था, जो पानी की तरह निकल रहा था, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ब्रेकिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का फटना। पानी का फटना मतलब मैंने क्या बताया कि जो झिल्ली वो फटेगी, बेबी बैग फटता है, ठीक है, और उसी झिल्ली के फटने से लिक्विड बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम ब्रेकिंग ऑफ वाटर कहते हैं, पानी का फटना कहते हैं। पानी के निकलने से रास्ता क्लियर हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, तो बच्चा जो है बाहर आने लगता है, ठीक है। ये बात होती पहले स्टेज में, ठीक है, यहाँ तक मतलब इस रास्ते से बाहर आने लगता है। तो ये पहला हो गया, पहला स्टेप। दूसरा चरण क्या होगा वो भी जान लेते हैं, सेकेंड स्टेप, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे बहिष्करण अवस्था। बहिष्करण अवस्था ये हमारा सेकेंड स्टेज होती है, ठीक है। एक्सपुलेशन स्टेज ये हमारा जो है सेकेंड हेडिंग बनेगा, दूसरी अवस्था होती है। तो बहिष्करण माने होता है बाहर आ जाना, ठीक है। एक बात और याद रहेगा कि इस प्रक्रिया में महज 15 से 20 मिनट का समय लगता है, यानी कि जब प्रेशर यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक बच्चा यहाँ तक पहुँच चुका है, तो इसी के बाद ये बेबी शिशु फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बहिष्करण कहते हैं। ये सबसे कम समय लगता है, 15 से 20 मिनट, महज इतने ही समय में ये प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो ये दूसरी अवस्था होती है, ओके। तो इसके बाद हमको तीसरा हेडिंग डालना है, क्या है? आंवली अवस्था। आंवली अवस्था, अब ये आंवली अवस्था क्या होती है? प्लेसेंटल स्टेज क्या होता है? प्लेसेंटल स्टेज क्या होता है? देखिए, पहली बात जानते रहेगा कि जो शिशु बाहर निकल रहा है, उस शिशु के साथ साथ जो अंदर एमनियोटिक झिल्ली थी वो भी निकलेगा। इसके साथ साथ बच्चे की नाभि से एक पाइप जुड़ी होती है, अम्बाइनकल कार्ड जिसे कहते हैं, शिशु नाल कहते हैं, वो भी निकलता है। इसके अलावा प्लेसेंटा भी निकलता है, जिस परत से वो नाड़ी जुड़ी होती है वो परत भी निकलती है, गर्भाशय की वो परत भी निकलती है। तो इस प्रकार से देखा जाए आंवली अवस्था के दौरान हम लोग क्या देखेंगे, इसमें समय वही है 4-6-10 मिनट, जो भी आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लगभग 10 मिनट के आसपास इसमें समय लगेगा। इस दौरान होता क्या है, शिशु बाहर आ चुका होता है, करना क्या है, अब जो नाड़ी जुड़ी हुई है उसके नाभि से, उस नाड़ी नाल को, अम्बाइनकल कार्ड को, किसी मतलब अच्छी खासी ब्लेड आता है तमाम प्रकार के, या और भी तमाम प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट आते हैं मेडिकल क्षेत्र में, तो उसी की सहायता से इसे कट कर दिया जाता है, ठीक है, नाभि को कट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है जो आंवला आंवल है, यानी कि प्लेसेंटा होती पर जो कि अंदर से बाहर निकली हुई है, मैंने बताया प्लेसेंटा हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि गर्भाशय की अंदर वाली परत होती है जिससे बच्चे की नाड़ी जुड़ी होती है, तो इस प्लेसेंटा को भी निकाल के बाहर रख दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन अंदर जो है फीमेल में ना हो, ठीक है। तो इसके बाद जो भी शिशु जन्म लिया हुआ है, उस शिशु को हम
एक नए तौलिए में जो है पोंछ करके हल्का सा और जो है उसको रख देते हैं, या तुरंत जो है उसको हम फीमेल बॉडी को सौंप देते हैं फीडिंग के लिए, मिल्क की फीडिंग के लिए, यानी कि स्तन पान कराने के लिए। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, ठीक है, तत्काल उस शिशु को कुछ ही मिनटों के बाद उस शिशु को दुग्ध की जरूरत पड़ती है, स्तनपान की जरूरत पड़ती है, और इसलिए हम अब हेडिंग बनाएंगे कौन सा, दुग्ध श्रावण, यानी कि स्तन से दूध का निकलना, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन हेडिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रसरो क्रिया को यानी डिलीवरी लेबर प्रक्रिया को क्लियरली स्टडी कर लिया है। अब हमारा हेडिंग बनेगा दुग्ध का श्रावण यानी कि लैक्टेशन। तो चलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए हेडिंग बना हुआ है दुग्ध श्रावण यानी कि लैक्टेशन। परिभाषा क्या होगी, शिशु जन्म के बाद अस्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निकलना ही दुग्ध श्रावण कहलाता है। शिशु जन्म जैसे ही होगा तुरंत से ही, तत्काल से ही स्त्री के स्तन ग्रंथियों से, मैमेलियन ग्लैंड से मिल्क जो होता है ये बाहर आने लगता है, ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम दुग्ध का श्रावण कहते हैं, मिल्क का सेक्रेशन कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, आपको देखना क्या है कि जैसे ही प्रसव हो जाएगा, ठीक है, प्रसव के बाद, ध्यान दीजिएगा, प्रसव के बाद कुछ प्रोसेस और भी हो रहे हैं। देखिए हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, फोकस करिएगा, ये ब्रेन में उपस्थित एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 11 में इसको पढ़ाया गया है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जिसे हम सेंटर ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, और ये वो चीज़ है जो हमारे पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। तुरंत क्या करती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है PRH, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा। ये हार्मोन करेगा क्या, हमारा जो पिट्यूटरी है, क्या पिट्यूटरी, कौन सा, फर्स्ट पिट्यूटरी, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि पिट्यूटरी में दो ही पॉइंट होते हैं, अग्र और पश्च। तो पिट्यूटरी में जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग, उसको कहेगा प्रोलैक्टिन निकालो, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये क्या है, हार्मोन है। फोकस करिएगा, जैसे प्रसरो क्रिया हो जाएगी तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, ठीक है, यह हाइपोथैलेमस जो है PRH ये हार्मोन निकालता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालने के लिए कहेगा, किसको कहेगा, अग्र पिट्यूटरी को। तो हमारी अग्र पिट्यूटरी जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालती है। इसी के साथ साथ जो हमारी पश्च पिट्यूटरी है, कौन सी पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी, वो कौन सा हार्मोन निकालती है, ऑक्सीटोसिन, अभी हमने पीछे बात किया था ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन निकल रहे हैं, कब, प्रसरो के दौरान या प्रसरो के बाद, ठीक है, प्रसरो के बाद स्पेशली प्रोलैक्टिन निकलता है, लेकिन प्रसरो के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी निकलता है, ठीक है। तो ये दो हार्मोन निकल रहे हैं, इसमें प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ये प्रोडक्शन को प्रेरित करता है, प्रोडक्शन बनाने को, यानी मिल्क बनाने के लिए जो है मिल्क ग्लैंड को ये प्रेरित करता है। तो इसका काम होता है प्रोलैक्टिन का, ये अस्तन ग्रंथि को, ठीक है, अस्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है क्या करने के लिए, मिल्क बनाने के लिए, मिल्क बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, तो ये आप याद कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम होता है संकुचन करना, ठीक है, संकुचन मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये श्रावण के लिए हेल्प करता है, श्रावण, यानी कह सकते हैं कि जब अस्तन ग्रंथियों में मिल्क बनेगा तो ही मिल्क बाहर निकलेगा। तो बनाने के लिए कौन प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन, और निकलेगा कब, जब अस्तन ग्रंथियां कॉन्स्ट्रक्ट होंगी तब उसके अंदर जो मिल्क होता है वही बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से मिल्क जो है अस्तन ग्रंथियों से बाहर निकलता है, जिसे फीडिंग के दौरान, फीडिंग मतलब होता है मिल्क का, मिल्क को अंदर ले जाना,
तो शिशु जब फीड करता है मतलब स्तनपान करता है तो उसी दौरान स्तन ग्रंथियों से मिल्क निकल करके उस बेबी के अंदर जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्तनपान करते हैं। ठीक है, तो प्रसव, अब जान की बात फिर से बता दूं, प्रसव के बाद दूध दशा हम लोग हेडिंग पढ़े, प्रसव के बाद हाइपोथैलेमस PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी के अग्रभाग को प्रोलैक्टिन निकालने के प्रेरित करता है और पश्च भाग द्वारा ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है मिल्क के, और ऑक्सीटोसिन मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। इस प्रकार जो है मिल्क सिक्रीट होता है और बच्चा उसको ग्रहण करता है, जिसे हम स्तनपान कहते हैं, मिल्क की फीडिंग कहते हैं। सो इस क्लास के माध्यम से हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्तन ग्रंथ की संरचना, ठीक है, मिल्क ग्लैंड की संरचना, तो वो भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक इस टॉपिक में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, इस चीज़ को आप बकायदे समझेंगे, नोट करेंगे, जहाँ पर ना सुनाया हो थोड़ा सा बैक करके इस चीज़ को फिर से क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको जो है बकायदे समझ में आ गया होगा। तो यदि आ गया हो तो इस टॉपिक को आप लोग आगे भी शेयर करेंगे, जिससे अन्य लोगों को भी इससे लाभ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।